नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पेम पिक्सल्स एंड ब्लॉग्स और मेरा नाम है अंबिका प्रसाद मिश्रा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी चल नहीं सकता, वैसे ही स्मार्टफोन्स बैटरी के बिना नहीं चल सकते। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा आपका जो बैटरी है वो अगर धीरे चार्ज हो रहा है, मतलब पहले चार्ज होने के लिए एक घंटा लेता था, छः महीना या एक साल बाद अगर आपका बैटरी अभी, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, छः महीना एक साल हो गया है, अगर आपका बैटरी अभी चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब पहले अगर 70 मिनट में हो जाता था, अभी अगर 90 मिनट या 100 मिनट ले रहा है या धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो आप उसको कैसे जल्दी से चार्ज कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल पहले चार्ज होता था वैसे ही कैसे चार्ज होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा दो तरीके। जी हाँ दोस्तों, मैं दो तरीके आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो दूसरा वाला तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को दोस्तों थोड़ा भी स्किप मत करिएगा और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, वरना अगर आप मिस कर देंगे कुछ स्टेप्स तो आपका मोबाइल जो है वो पहले जैसा चार्ज नहीं होगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा दोस्तों, लेकिन बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल बटन को। जी हाँ, साइड में दोस्तों बेल बटन होगा उसको दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर के मेरे जो जितने वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा दो तरीकों के बारे में जिससे आपका फ़ोन जो है वो पहले जैसा चार्ज होगा, मतलब उतना ही टाइम में, जैसे मतलब जितना टाइम पहले लेता था, 90 मिनट हो गया या एक घंटा हो गया, उतने में ये आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बोला था दो तरीके के बारे में बताऊंगा। जो पहला तरीका है उसमें पांच चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों जो पहला चीज़ है वो ये है कि अगर आप फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो अगर हो सके तो मोबाइल को फ्लाइट मोड कर दीजिए, मतलब जो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको काट दीजिए, फ्लाइट मोड कर दीजिए, मतलब एरोप्लेन मोड। कुछ दो फ़ोन में दोस्तों एरोप्लेन मोड भी है, इसको फ्लाइट मोड भी हम लोग बोलते हैं, तो फ्लाइट मोड को ऑन कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क है वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, मतलब आपको पता होगा जो नेटवर्क का जो टावर ऊपर हम देखते हैं वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों होता इसमें होता ये कि ये बैटरी को ज़्यादा खींचता है, इसलिए अगर आप फ़ोन को फ्लाइट मोड कर देंगे तो आपका बैटरी जो है वो थोड़ा जल्दी चार्ज होगा। दोस्तों जो दूसरा चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो उसका कवर निकल के चार्ज करिए और फ़ोन का स्क्रीन जो है उसको लॉक कर दीजिए, मतलब स्क्रीन पूरा डार्क रहना चाहिए, इससे आपका बैटरी जो है वो गर्म नहीं होगा और जल्दी से चार्ज होगा। दोस्तों जो तीसरा चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप फ़ोन का जो, अगर आप कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, ब्लूटूथ या कुछ भी कनेक्टिविटी है चार्जिंग होने के टाइम, वो सब काट दीजिए, फ़ोन को नॉर्मल मोड में, मतलब एरोप्लेन मोड ऑन करके फ़ोन को नॉर्मली रख दीजिए कोई ठंडी जगह पर, क्योंकि गर्म जगह पर चार्ज मत करिए। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि रूम में अगर कहीं पर रख देते हैं, अगर धूप गिरता है फ़ोन के ऊपर तो वो बैटरी को थोड़ा हीट करता है, तो इससे चार्जिंग होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ़ोन को ठंडी जगह पर रख दीजिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर रख के चार्ज करिए। दोस्तों चौथा चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि आपका फ़ोन में अगर बैकग्राउंड में कुछ एप्लीकेशन चल रहे हैं, या चार्जिंग करने से पहले अगर आप कुछ एप्लीकेशन चला रहे थे फ़ोन में, तो उसको बैकग्राउंड से क्लियर कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि अगर आप बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस ही नहीं होगा तो बैटरी के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, तो आपका जो बैटरी है वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो पांचवा तरीका मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पांचवा जो ये पहला तरीका है, जो पांचवा स्टेप मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर हो सके तो इंटरनेट को ऑफ ही कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी डाउनलोड पर बिठा देते हैं या कुछ भी, मतलब आजकल तो आपको पता होगा सोशल मीडिया के लिए सब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों के फ़ोन्स में 24 आवर्स इंटरनेट ऑन ही रहता है। तो अगर दोस्तों अगर हो सके तो आप चार्जिंग करने के टाइम इंटरनेट को ऑफ कर दें, इससे होगा क्या कि आपका जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया पहला तरीका है जिसमें मैं आपको बोला था कि पांच स्टेप्स होंगे, ये पांच स्टेप्स मैंने आपको बोल दिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोला था कि दूसरा जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तरीका को ध्यान से सुने, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा तरीका जिससे आपका फ़ोन जो है वो पहले जिस, मतलब जितना टाइम लेता था चार्ज होने के लिए, अभी भी उतना टाइम ही लेगा। तो दोस्तों इस तरीके को ध्यान से सुनिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपका फ़ोन मतलब धीरे चार्ज हो रहा है, दोस्तों मेरा भी फ़ोन करीबन 1.5 साल हो गया है, तो अभी मेरा फ़ोन भी धीरे चार्ज हो रहा था, तो मैं कस्टमर केयर के पास लेके गया और वो लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। वो लोग मेरे को बोले कि आपका फ़ोन मतलब शायद धीरे चार्ज हो रहा है, तो आप बैटरी चेंज करवा लीजिए या कुछ ये करिए वो करिए। तो दोस्तों उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बोल देता हूँ, मैं कई सारे जगह पे, मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स के रिपेयरिंग का शॉप है या जितने भी मोबाइल्स के बारे में जानते हैं तो उनके पास भी लगेगा, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही सजेशन दिया कि इससे आपको खर्चा भी नहीं होगा, अगर खर्चा भी होगा तो थोड़ा, लेकिन आपका मोबाइल जो है वो बहुत जल्दी चार्ज होगा। तो दोस्तों वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों वो चीज़ है कि अगर आपका फ़ोन जो चार्ज होता है, जो फ़ोन आपका
वो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहला जो चीज़ है वो है अडाप्टर, जिसमें आपका जो डाटा केबल है वो लगा रहता है, जिसको आप वॉल चार्जर में लगा के अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। तो दोस्तों मेरे सारे जितने जिनसे भी मैं पूछा मोबाइल के जानकार, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताया दोस्तों कि अगर आपका फ़ोन धीरे चार्ज हो रहा है तो उसका मेन रीज़न है कि आपका जो चार्जिंग केबल है, अडाप्टर नहीं, जो तो चार्जिंग केबल जिस जो अडाप्टर में लगा हुआ होता है। तो जैसा कि मैं आपको बोला था, जो मेन चीज़ दोस्तों है वो ये है कि चार्जिंग स्लो होने का रीज़न ये है कि चार्जिंग, देखिए दोस्तों चार्जिंग के लिए दो चीज़ों का जरूरत है, एक होता है अडाप्टर और होता है चार्जिंग केबल, जिससे आप दोस्तों डाटा भी ट्रांसफ़र करते हैं अपने लैपटॉप से या मोबाइल से। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है कि आपका जो चार्जिंग केबल है वो शायद ख़राब हो गया है, तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा ये कि नया चार्जिंग केबल लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि कोई चालू कंपनी या चाइनीज़ कंपनी का, मतलब जो चालू माल होता है, उसको आप मत लीजिए। अगर हो सके तो ब्रांडेड कंपनी का, जितना आपका एम्पियर का चार्जर है, जितना एम्पियर का आपको पहले मिलता था, अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप फास्ट चार्जिंग के जो डाटा केबल है उसको ले सकते हैं फास्ट चार्जर के। लेकिन दोस्तों अगर आपका फ़ोन नॉर्मल चार्जर को सपोर्ट करता है तो आप नॉर्मल डाटा केबल लीजिए, लेकिन अच्छे कंपनी का लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप चार्ज कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका मोबाइल जो है वो पहले जैसा चार्ज होता था वैसे ही चार्ज होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।